सो अभी जो है काफ़ी सारा पसीना वगैरह आ चुका है, अभी एक्सरसाइज जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अभी हमको जाना है घर, और अभी जो है सवेरे का टाइम है, जैसा कि जानते हो आप, तो मॉर्निंग का भी समय है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, और आप सभी को जय श्री राम। क्योंकि अभी सवेरे का टाइम है तो भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें हो गई, और आज हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन था वो हो गया, और अभी जो है घर के लिए निकलने वाले हैं। सो जो भी चीज़ें थी वो सारी हो गई, कर ली हमने। और सो कुछ नए चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और कुछ इस तरीके की जगह है यहाँ, देखोगे तो काफ़ी अच्छा हरा भरा जो है सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको। और ये पीछे नहर है, नहर सूखी हुई है, बारिश अभी बहुत कम हुई थी, लेकिन कुछ दिनों से नहीं हुई तो सूख गई, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा धूप वाला हो गया है। रोज़ काफ़ी धूप ही आ रहा था, लेकिन आज का मौसम थोड़ा सा दिख रहा है कि बारिश हो जाए, लेकिन अब क्या पता, अभी बारिश हो जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन तो कुछ इस तरीके की यहाँ का जो है माहौल है अभी, और काफ़ी हरा भरा आपको दिख रहा होगा, जैसा कि सामने आप देख पा रहे होंगे। तो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, अभी बारिश का मौसम है तो ये उग जाते हैं, और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बहुत हरी हरी है, हरा चीज़ काफ़ी पसंद है मुझे, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है। सो दरअसल अभी हम थोड़ा सा माउथ फ्रेश के लिए दातुन तोड़ने के लिए जा रहे हैं, नीम का, जैसे कि देख रहे हो आप, ये झाड़ियां हैं दातुन की, और काफ़ी सारे झाड़ियां हैं इधर, बाकी मेरे को नाम नहीं पता, बाकी ये सब जंगली झाड़ी है मेरे ख्याल से। सो अभी हमें छोटा सा ये जो है नीम की दातुन की ज़रूरत है, तो ये जो है नीम की झाड़ी, मतलब नीम का पेड़ है, ये छोटी है, लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादा हाइट में नहीं है ये। और सो जो है माउथ फ्रेश के लिए थोड़ा सा दातुन की ज़रूरत है हमको, तो क्या है, थोड़ी सी छोटी डाली लेते हैं, जैसा कि ये है, छोटी डाली है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, इनका भी जीवन है, तो छोटा ही लेते हैं ताकि ज़्यादा इनको नुकसान ना हो। तो ये हो गया, सो चलते हैं रोड पर, ये हमने ले लिया, छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो जो है ये है हमारा दातुन, जैसे कि हम लोग देसी लोग हैं, गांव के लोग हैं, ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, जब भी यहाँ आता हूँ तो कंटिन्यू नहीं करता, कंटिन्यू मैं दातुन नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब इच्छा होती है, जब थोड़ा सा मुंह में थोड़ी अजीब टाइप की स्मेल्स जो होती हैं, वैसे माउथ फ्रेश के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये नीम का है, ज़्यादातर जो है नीम का ही दातुन सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आप देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा कि दातुन जो है काफ़ी अच्छा चीज़ मानी जाती है, अपने मुंह के लिए और दांत के लिए भी, और काफ़ी समय से इसका यूज़ किया ही जाता था, लेकिन जैसे अभी मॉडर्न जनरेशन के चलते अभी तो खाली इलेक्ट्रॉनिक ब्रश भी आ चुकी हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें कम होती गई, लेकिन जो हमारे घर के बुज़ुर्ग थे वो दातुन का ही इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, और उसी का जो है रूटीन हम भी अपना रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। और मैं खुद ये महसूस किया हूँ कि इनसे ना मुंह काफ़ी फ्रेश हो जाता है, माउथ फ्रेश इतना ज़बरदस्त होता है, आप कभी आपको मौका मिले तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और जो भी मुंह के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व हो जाती हैं। सो ये है नीम का दातुन, और इसी के साथ साथ और काफ़ी सारे आते हैं, बबूल की आती है और काफ़ी सारे पेड़ के और आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो मुंह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसे वो सॉल्व नहीं होती, उनसे खाली आपको दांत ही साफ़
मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये है नीम का, और कुछ इस तरीके से चबाना होता है, जैसे कभी आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा, और कुछ इस तरीके से जो है ये दातुन करना पड़ता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप भी ज़रूर इसे यूज़ करके ज़रूर देखना, और करने में काफ़ी मज़ा आएगा। मुंह तो काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो ये है आज का वीडियो, इसी तरीके से कुछ नई नई चीज़ें करते रहेंगे, और मिलते हैं। अभी रोज़ का हमारा वीडियो बन रहा है, तो रोज़ बातें होगी, तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो पे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी नया नया जो है चैनल बना हुआ है, और लोग तो ज़्यादातर वीडियो देख नहीं पाते क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो जनरली सी बात है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें, और इसी तरीके से नए नए चीज़ें जो है ढूंढ ढूंढ के करते रहेंगे, बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे।